नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण केड़ी, आप देख रहे हैं इन्फोटेक तरुण केड़ी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ब्रोदर का प्रिंटर, जिसका मॉडल नंबर है DCP L2541 L2541 DW। तो दोस्तों इसको हम आज करेंगे रिसेट। अगर आपके प्रिंटर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट नहीं ले पा रहा है, तो उसके बाद हम इसको रिसेट करके कैसे प्रिंटर की सेटिंग्स वगैरह सही कर सकते हैं, उसी के लिए आज ये वीडियो है। तो वीडियो को आज पूरा देखते रहिए और कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा DCP प्रिंटर, जिसका मॉडल नंबर है DCP L2541 DW। तो दोस्तों इसको रिसेट करने के लिए सबसे पहले इसका फ्रंट कवर हम ओपन कर लेते हैं, जो कि यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैं जूम करके आपको थोड़ा बताता हूँ। तो दोस्तों वो आपको सही से दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें, अगर पूरा प्रिंटर रिसेट करना है तो सबसे पहले हम जाते हैं मेनू में और हम लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट की तरफ से जाएंगे, नेटवर्क आ रहा है, यहाँ प्रिंटर लिखा हुआ आएगा जो कि है 3 नंबर पे, ओके करना है और इस पे जाना है हमें। जो 5वां नंबर ऑप्शन है रिसेट प्रिंटर पे, ओके करना है। और जैसा कि ऊपर की तरफ एरो दिया हुआ है रिसेट के लिए, एग्जिट के लिए नीचे की तरफ एरो, तो ऊपर वाला एरो ये है प्लस वाला, रिसेट के लिए प्लस दबाएंगे। तो दोस्तों दूसरा रास्ता ये है कि हमारे पास इनको तो सबको एग्जिट कर देना है, हमको फ्रंट कवर ओपन रखना है और आपको कुछ देर के लिए ओके वाला जो बटन है उसको दबाए रखना है 2-3 सेकंड के लिए। और यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास रिप्लेस ड्रम, यस के लिए ऊपर वाला बटन दबाना है, एक्सेप्टेड, और ये रिप्लेस हो गया। दोबारा हमें क्या करना होगा, ओके वाले बटन को 2-3 सेकंड के लिए दबा के रखना है और यहाँ पर करना है हमको स्टार्ट। जैसे डिस्प्ले सब बंद हो जाएगी हमें दबाना है प्लस वाला निशान, जो प्लस वाला एरो है वो दबाना है। और यहाँ पे 01 लिखा हुआ है, हम माइनस वाला दबाएंगे 00 और ओके कर देंगे, तो इसका कार्ट्रिज भी रिसेट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पूरे प्रिंटर को रिसेट कर सकते हैं और हमारा प्रिंटर में जो भी कोई सेटिंग को लेके प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने प्रिंटर को रिसेट करके इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह रिसेट कर ली है। तो इसी तरीके से आप भी घर बैठे अपने प्रिंटर की सारी सेटिंग्स वगैरह रिसेट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे इन्फोटेक तरुण केड़ी। जय हिंद, जय भारत।